मैं मुकेश सर यूनिक निवारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशन का सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन क्लास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और 13वां सेट। शुरू में हम लोग कुछ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखे थे, तो ये टोटल 13वां सेट आज आपका डिस्कशन होगा, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे हम लोग काम आज करेंगे। तो आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखें, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और आसान क्वेश्चन भी अगर आप टेक्निक जानते हैं तो। जैसे देखो यहां क्या कहा जा रहा है, दो ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करता है। ट्रेन पी ए से बी की ओर और क्यू जाता है बी से ए की ओर, एक दूसरे की ओर जा रहा है। और देखिए पार करने के क्रमशः 2.5 घंटे बाद और 10 घंटे बाद इस टाइम को देखना है बी और ए पर पहुंचता है, यानी जो ए से चला वो बी पे पहुंचा, जो बी से चला वो ए पे पहुंचा। आपको दिया हुआ है देखिए पी की चाल और निकालना है क्या क्यू की चाल। डिस्टेंस भी यहां मेंशन किया हुआ है 675 किलोमीटर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस का कोई मतलब है ही नहीं। वो 675 किलोमीटर जाता है कि 1675 किलोमीटर जाता है कि 933 किलोमीटर जाता है कि 1 किलोमीटर चलता है, उससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं रखना है। सिंपली एक फॉर्मूला है आपको केवल ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। यहां जब भी मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है तो देखो पी की चाल और बटे में क्यू की चाल, यानी पी और क्यू की चाल का रेशियो अगर देखा जाए, पी की चाल और बटे में करेंगे क्यू की चाल, इज इक्वल टू ध्यान में रखेंगे अंडर रूट T2/T1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। T2 का मतलब हुआ बाद वाला टाइम, दूसरा वाला का टाइम, और T1 का मतलब पहला वाला का टाइम। अब आ जाए पी की चाल, देखो यहां क्या लिखा हुआ है 90 बटे में, आपको यहां क्या निकालना है क्यू की चाल, तो क्यू की चाल इज इक्वल टू किया जाए अब अंडर रूट T2, तो बाद वाला टाइम देखो कितना आवर दिया हुआ था हम लोगों को 10 घंटा, तो ऊपर में लिखेंगे 10 और नीचे देखें 5/2, तो ये 5/2, तो 2 फिर चला जाएगा ऊपर, 5 से ये कैंसिल, देखो 2 बार में 2 × 2 = 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहां से फिर आप देखें तो 90/Q, क्यू की चाल के बदले केवल क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इक्वल टू आया 2 से कैंसिल, ये 45 बार में हो जाएगा, इसलिए क्यू बराबर देखा जाए तो क्या आप लिखेंगे 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख के काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 15 संख्या का औसत देखिए 56 है, 8 संख्याओं का यहाँ औसत, फिर अंतिम 8 का दिया हुआ है, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो पहले अगर इन 8 का योगफल निकालते तो क्या लिखते आप 8 × 54.4, और इस 8 का निकालते तो क्या लिखते आप 8 × यहां देखें 54.4 और प्लस अगर करें तो 8 × 56.6। तो ये 8 और 8 कितने संख्या का हो जाता, 16 संख्या का योगफल हो जाता, और इसमें ये 15 संख्या का योगफल हम लोगों को घटा देना है। तो देखो संख्या अगर 15 ही था तो यहां 16 संख्या कैसे हुआ, इसलिए कि बीच वाला जो ओवरलैप नंबर कर रहा है, 8वां नंबर जो है वो ओवरलैप कर रहा है, और उसी के कारण क्या हुआ संख्या का वैल्यू बढ़ गया। तो इसका कैलकुलेशन के लिए 8 को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां देखो इस दोनों को जोड़ेंगे 6 × 4 = 10, 0 गायब हो जाएगा, रेस्ट 1 बचेगा, फिर 6 × 4 = 10 और रेस्ट 1 था, तो 10 और 1 क्या कर लेंगे 11, रेस्ट आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहां से करेंगे देखो तो 5 × 5 = 10 और 1 = 11, अब माइनस किया यहां क्या था 15 × 56, तो ये जो हम लोग निकाले वो कौन सी संख्या निकाले, 8वीं संख्या निकाल लिए, 8th नंबर निकाल लिए। अब आ जाओ यहां से तो ये कितना हो जाएगा 8 8 8 माइनस 15 × 6 करेंगे देखो 90, रेस्ट 9 हो जाएगा, 75 में 9 को जोड़ेंगे 84 हो जाएगा, और इसको अगर घटाया जाएगा तो 48। तो अगर पूछता 8वां नंबर बताइए तो आंसर हो जाता 48, लेकिन आपको क्या कहा गया है देखें कि अगर इस 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अब हम लोग अगर करें तो ये देखो टोटल नंबर हमारे पास कितना है 15 है,
तो 15 × 56 अगर देखें तो क्या निकाले हुए हम लोग, 840 निकाले हुए हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। किस नंबर को, आठवां नंबर को। आठवां नंबर का वैल्यू कितना है, 48, तो माइनस कर दिए 48। तो 15 संख्याओं के योगफल में एक आठवां नंबर घटा दिए तो बचा नंबर्स कितना, 14 नंबर बचा हुआ है, 14 संख्या बचा हुआ है। तो एवरेज निकालने के लिए 14 से भाग दे देंगे, 10 में 8 को घटाएंगे देखो 2 हो जाएगा, 13 में 4 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, बटे 14 हो जाएगा, 14 से भाग लगाएंगे पहले देखो 5 बार में हो जाएगा 70, फिर 9 और 2 92 हो जाएगा। तो फिर अगर आप भाग लगाएंगे तो 14 से कितना बार में, 6 बार में आप भाग लगा लेंगे, 84 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखो पॉइंट कर लिया जाएगा। अब आपका 92 में 84 को घटाए तो 8 और 0 80 आ गया। फिर 14 से अगर देखा जाए तो 80 है तो लगभग यानी 6 समथिंग आएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो देखो कितना होगा, 56.6, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में देखें, दो मिश्र धातु ए और बी में देखो जस्ता और तांबा का रेशियो दिया हुआ है। कहता है 3:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त करने के लिए मिलाने के, 3:1 में प्राप्त करना है 44 किलोग्राम मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए ए और बी को कितना कितना पिघलाना होगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे किस रेशियो में ए और बी को मिलाना होगा, इसके लिए एलिगेशन यूज कर लें। तो 7:2 है तो उसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 7/9, 7+2 कितना हो जाएगा, 9। यानी 7:2 में मिलाने का मतलब हुआ ए का 7 भाग तो बी का 2 भाग तो टोटल 9 हो जाएगा हम लोगों का, इसीलिए 7/9। यहाँ अगर लेंगे तो यहाँ भी या तो केवल तांबा पे या तो केवल जस्ता पे काम करना है, तो वहाँ अगर तांबा का भाग निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 5/8। और यहाँ 3:1 प्राप्त करना है तो यहाँ तांबा का भाग क्या हो जाएगा, 3/4। अब क्रॉस में चलना है, बड़ा में छोटा घटाना है, इस दोनों का एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ देखो 8 लिख ले रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ 6 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, 1/8, अनुपात करो। अब इसको अगर करेंगे तो एलसीएम देखो, एलसीएम हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 से भाग लगाएंगे तो 4 × 7 28 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 9 × 3 27 हो जाएगा, 28 में 27 यानी 1 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल 2 बार में, 4 से ये कैंसिल 9 बार में, यानी रेशियो जो आपको आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2:1/9। इसी को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9:2 लिख सकते हैं। अब आ जाओ, अब देख लो टोटल मात्रा कितना था, 44। इसको बांटना है किस रेशियो में, 9:2 में। तो 44 को 9:2 में अगर आप बांटेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना से, 11 से। पहला निकालने के लिए 9 से गुना और दूसरा निकालना रहेगा तब 2 से गुना, 11 चाहिए 4 बार में, 9 × 4 = 36 और फिर 4 बार में करेंगे, 4 × 2 = 8, तो आंसर होगा 36 kg और 8 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है मान लें कि x वह सबसे छोटी संख्या 10, 12, 14, 16 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 4, 6 और 8, किंतु x जो है 17 से विभाज। अब यही निकालना है, वह सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसमें इन सभी से भाग दें तो ये रिमाइंडर बचता हो और 17 से पूरा पूरा कैंसिल होता हो, सबसे पहले ये चीज निकाल लेना। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इस सब का एलसीएम निकालिए, 10 का, 12 का, 14 का और 16 का। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम इज इक्वल टू देखा जाए तो एलसीएम देखो, यहाँ 2 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या 16 है और यहाँ 7 है, यानी 16 गुना करेंगे 7 और गुना में देखो यहाँ 5 और यहाँ 3, प्राइम नंबर सब अगर करें तो 5 है और 3 है। अब ये देखो 16 × 5 कर लोगे तो 80, या 7 × 3 कर लेंगे 21, 21 × 80 करेंगे 168, यानी कितना आया, 1680। तो x का अगर आप मान निकालेंगे तो x बराबर आप लिखेंगे 1680 के। इसलिए लिए क्योंकि हमको ये देखो 17 से विभाज्य नंबर चाहिए, तो ये हमको पता है कि नंबर जब भी होगा तो 1680 का मल्टीपल ही कोई ना कोई होगा। साथ ही साथ रिमाइंडर यहाँ देखो 2, 4, तो जब कभी अलग अलग रिमाइंडर है तो यहाँ घटाइए, 10 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 8, या 12 में 4 घटाते तो भी क्या होता, 8। यानी रिमाइंडर और संख्या का डिफरेंस हमेशा सेम होता है और उस डिफरेंस को घटाना होता है। तो 10 में 2 घटाए 8 हो गया, या 12 में 4 घटाए 8 हो गया, 14 में 6 घटाए 8 हो गया, 16 में 8 घटाए 8 हो गया,
उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब यहां के का एक ऐसा वैल्यू सोचना है ताकि प्राप्त संख्या कैंसिल हो जाना चाहिए 17 से। तो यहां आप के बदले 1, 2, 3, 4 ऐसा रख सकते हैं। तो यहां अगर आप 1680 और गुना के बदले आप क्या रखेंगे, 3, माइनस कर लेंगे 8, तो जो संख्या मिलेगा वो 17 से होगा, पूरा कैंसिल। के का मान 3 कहां से आया, ये सोचने वाला बात है। तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे 1680 है तो पहले इसमें आपको 17 से भाग लेके रिमाइंडर निकालना है। जैसे यहां अगर 17 से भाग लगाते, देखो 17 × 9 = 153 हो जाता, 6 में 5 घटा दिए 1 हो गया, ये 0 हो गया। 17 से फिर देखो कितना बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे, तो 136 हो जाएगा। यहां देखो 4 आएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 14। तो यहां आप लिख सकते थे 14 के और माइनस में 8। ये जो 1680 के है तो आप वहां भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये होगा तो के का मान निकालना आपका आसान होगा। जैसे देखो अगर 1 रखते हैं, 14 में 8 गया 6, नहीं कैंसिल होगा 17 से। 2 रखेंगे, 28 में 8 घटेगा 20, नहीं कैंसिल होगा। 3 रखते हैं तो 14 × 3 करेंगे तो 42, और 42 में 8 को घटाएंगे तो 34, जो कि 17 से कैंसिल है, इसीलिए यहां आपको 3 रखा गया है। अब आ जाओ तो 1680 × 3 करोगे तो 8 × 3 = 24, रेस 2 हो जाएगा, 48 × 2 = 50, 40, माइनस 8 कर लिए तो ये कितना आया, 5032। तो अगर पूछा जाता एक्स का मान तो एंसर होता, तब एंसर हो जाता 5032। लेकिन देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि जब x को 52 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। तो 52 से अगर विभाजित करेंगे, किसमें विभाजित करेंगे, x में, x कितना है आपका, 5032 है। तो यहां से देखो पहले कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में, 9 × 2 = 18, रेस्ट 1 हो जाएगा, 45 और 1 = 46, 13 में 8 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में फिर देखो 6 को घटाया जाएगा तो 3 हो जाएगा, और तब यहां से 2 आएगा। अब भाग लगाओगे 6 बार में 6 × 2 = 12, रेस्ट 1 हो जाएगा, और 30 और 1 = 31 हो जाएगा। क्या बचता है उससे यहां मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए भागफल, भागफल आया 96, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। सपोज करो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स ले लिए तो 25% अधिक रहेगा, तो एक्स गुना 125/100 यानी क्या हो जाएगा, 5xy4। फिर कहता देखो 10% छूट देने के बाद इतना में बेचा, तो अगर 10% छूट दे देंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 90/100, और बराबर में देखो दिया हुआ है 720। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 से ये कैंसिल करो तो 80 बार में हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल करो तो 16 बार में हो जाएगा। तो x बराबर करोगे 16 × 4 × 10, तो क्या आएगा रिजल्ट, 640। x आप क्या माने थे, सीपी माने थे, कॉस्ट प्राइस माने थे। आपको क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस और बाजार मूल्य, अंकित मूल्य का डिफरेंस निकालना है। तो ये तो पता ही है कि अंकित मूल्य हम लोग क्या किए थे, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिए थे। तो 640 का सिंपली 25%, 25% का मतलब 1/4। तो बताइए आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 160, जो कि आपके किस विकल्प में है, ए नंबर में। तो आंसर हो गया ए नंबर। अगले क्वेश्चन में देखो, ये डाटा दिया हुआ, कहता है ए बी और डी द्वारा बेची गई इकाइयां, ए का कितना है 30, बी का कितना है 32 और डी का कितना है 36। सबको जोड़ोगे देखो तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 = 9 हो जाएगा। अब यहां से देखा गया क्या कहा, कुल संख्या का कितना प्रतिशत सी द्वारा निर्मित इकाई की संख्या के बराबर, यानी 98 का कितना परसेंट, मान लो व्हाट परसेंट, मान लो एक्स परसेंट, और किसके द्वारा कह रहा है, सी द्वारा निर्मित। तो सी द्वारा निर्मित देखो कितना 36 है, तो इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 30 से। तो वाट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो 36 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। कैंसिल अगर किया जाए तो आप 2 से केवल कर सकते हैं, 49 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, यानी क्या रिजल्ट आया, 1800 और बटे में कितना कर लेंगे 49। पॉइंट में आएगा वो तो भाग देने का, यहाँ देखिए 49 से अगर भाग लगाएंगे इसमें तो पहले कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, तो 49 × 3 देखो क्या हो जाता है, 147 हो जाता है,
इसको अगर आप घटाएंगे कितना में, 180 में, तो 180 में अगर आप घटाते हैं तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ फिर 3 मिल जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, यानी क्या मिलेगा 330। अब अगर 49 से भाग लगाया जाएगा, 330 में भाग लगाया जाएगा तो कितना बार में, तो आप देख लें 6 बार में या 7 बार में, वो तो देखने का चीज है। तो सबसे पहले देखें, अगर 7 बार में करते हैं 9 7 33 6 होगा, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, 343 हो गया, यानी लगेगा 6 बार में। 6 वाला तो देखो एक ही है ऑप्शन, कौन सा, सी नंबर, तो आंसर क्या लिख लेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 44 सेंटीमीटर के घन से इतना सेंटीमीटर कितना गोलाकार गेंद बनाया जाएगा, संख्या निकालने के लिए बताएं, बड़ा आयतन में छोटा आयतन से भाग दे दीजिए। तो घन से बनाना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 44 गुना 44 और गुना 44 ही हो गया। बनाना क्या है, गोला, तो गोला के आयतन से भाग दे दीजिए, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये देखिए 4/3 π का मतलब 22/7 और क्या लेना है r³, r कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2। अब आ जाओ यहाँ से देखें, तो 22 × 2 144 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 4 से देखो ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 × 2 = 4 से ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 × 11 = 121 हो गया, फिर गुना करें, ये 7 × 3 ऊपर चला जाएगा 21। अब देखो 1 × 1 तो यूनिट प्लेस पे तो एक ही आएगा, गुना करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, वहाँ 0 है, आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, क्या कहता है, x रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्सों का रेशियो 3:4, अब बीसी का रेशियो देखो 5:6, तो एबीसी का अगर निकालोगे तो 15:20:24 ये बताए हुए हैं, ये देखो इसको गुना, फिर इसको गुना, फिर इसको गुना, हो गया एबीसी का रेशियो। अब क्या कहते हैं, सी को ऐसे 1440 रुपये अधिक, तो बंटवारा करना है, निकालना क्या है एक्स का मान, एक्स का मतलब टोटल, टोटल निकालना है, तो देखो एक्स बराबर लिखेंगे तो 1440 डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ये देखो ए और सी का, तो 24 में 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 9 टोटल के लिए गुना कर लेते हैं, 24 और 20 क्या हो जाएगा 44, 44 में 15 को अगर जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 59, 9 से कैंसिल करो कितना बार में, ये 160 गुना अगर करें तो 16 × 9 देखो क्या हो जाएगा, बचेगा 14, 80 में 14 को जोड़ लोगे आ जाएगा 94, आंसर देखो हो गया 94/40 जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। 79 में अगर चला जाए, 3/5 / 12 दिन में, 3 से इसको कैंसिल करो, यानी पूरे काम को करेगा 5 × 4, यानी ए पूरे काम को कितना दिन में, 20 दिन में, बी का अगर आओगे तो 1/3 15 दिन में, तो पूरे के लिए क्या करेंगे 15 × 3 यानी कितना 45 दिन में। अब क्या कहा गया, 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो 12 दिन में ए कितना काम करेगा 12/20, 12 दिन में बी कितना काम करेगा 12/45, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 4 सही है 3 बार में, 4 सही है 5 बार में, 3 सही है 4 बार में, 3 सही है 15 बार में। अब एलसीएम देखो 15 ले लेंगे, 5 से 3 लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका 4 आएगा, 9 × 4 = 13/15, ये बताओ अगर 13/15 काम हो गया तो काम बचा कितना, 1 − 13/15 यानी शेष काम देखा जाए तो क्या होगा 2/15। हमको पूछा गया इस काम को बी अकेले कितने दिन में, शेष काम को, शेष कितना है 2/15, बी देखो काम को कितने दिन में करता है 45 दिन में, कितना काम एक काम, तो अगर 2/15 का निकालोगे तो 2/15 × 45 कर लेंगे, ये देखो आंसर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 दिन, तो आंसर हो गया इसका 6 दिन। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, शंकु का देखो आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 π, पाई का मतलब आपको पता है क्या लेना है 22/7, तो यही हम लोग लिख लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर एच, आर देखो दिया हुआ है 14, फिर इंटू 14 कर लेते हैं, आर स्क्वायर हो गया, एच हम लोगों को निकाल लेना है, आयतन तो दिया हुआ ही था 2464, कैंसिल करने की बात है, 7 से देखो ये कैंसिल कर लेंगे 2 बार में, 22 से अगर इसको कैंसिल करो तो पहले 1 बार में लगाएंगे, 2 × 6 = 26 हो जाएगा, तो फिर 1 बार में लगा लेंगे, 4 बचेगा तो 2 बार में लगा लेंगे।
अब देखो 14 से अगर इसको कैंसिल करें तो 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 8 बार में हो जाएगा। अब आ जाओ 2 से ये अगर कैंसिल किया जाए तो कितना बार में, 4 बार में, यानी h बराबर देखें तो 4 गुना 3 कर लोगे क्या आ जाएगा, 12। लेकिन आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, पाई आर एल, पाई के बदले 22/7, आर के बदले 14, ये तो दिया हुआ ही है। अब आपको क्या चाहिए, एल चाहिए, एल यानी तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई क्या होता है आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देखो एच स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 144। क्या निकाल रहे हैं आप, एल प्लस, और क्या करना है आपको, आर स्क्वायर। तो आर 14 है तो 14 का स्क्वायर 196 अंडर रूट, यही आपका क्या होगा, एल होगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये देखो 10 रेस्ट 1 होगा, 10 4 14 का 4 रेस्ट 1 होगा, यानी 340 आ गया। 4 से भाग लगाओगे और 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√85। इसका मान यहाँ जाके पुट कर दिए, देखो 2√85। 7 से ये 2 बार में कैंसिल, 22 × 2 = 44 × 2 = 88 हो जाएगा। आंसर आएगा देखो कितना है, 88√85, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस रूप से आज का 10वां क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आगे फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और अगले सेट पे काम करेंगे। धन्यवाद।